नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में और मैं आपका गाइड हनुमान गोदारा। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जो टाइम पीरियड था 450 से लेकर 1066 का, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे जर्मनी से जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी वो इंग्लैंड आती है, जिसमें एंजल्स थे, सेक्शन थे, जूट से, डेंस थे, वो आकर इंग्लैंड रहने लगते हैं और वहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो इंग्लैंड था उसका ब्रिटेन नाम कैसे रखा, और उसके बारे में मैंने बताया कि ग्रीस से जो समुद्री लुटेरा या जो समुद्री नाविक था वो उस समुद्र के रास्ते घूमते हुए कहाँ पहुँचा, इंग्लैंड के धरती पे पहुँचा, और जब उसने उस आइलैंड को चमकता हुआ पाया तो उसका नाम क्या दे दिया उसने, ब्रिटेन। और ब्रिटेन का आपको मैंने मीनिंग भी बताया, ब्रिटेन का मतलब क्या होता है, ए डिस्टेंट शाइनिंग स्टार। तो अब तक हमने ये चीज़ें पिछले वीडियो में पढ़ ली हैं और अब हम जो आगे हमारा है 1066 से 1450 का पीरियड है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं 1066 जो डेट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें जो एक युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। इसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो एंजल्स और सेक्शन थे उनका युद्ध हुआ था नॉर्मंडी के साथ, नॉर्मन लोगों के साथ, और उसी युद्ध में जो एंजल्स थे वो हार गए थे और नॉर्मन थे उन्होंने युद्ध जीत लिया था। इसमें इनके राजा थे, थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो नॉर्मन का राजा था वो था विलियम कॉन्करर, और जो एंग्लो सेक्शन का राजा था उसका नाम था हैरोल्ड गुडविनसन। तो इनके बीच जो युद्ध हुआ उसको बोलते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको याद रहेगा, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको कहानी भी बता देता हूँ। जो हैरोल्ड गुडविनसन था वो बहुत लंबा थोड़ा तगड़ा इंसान था और हमेशा लोहे के कवच पहनकर हाथी पर यात्रा किया करता था, और जब ये युद्ध हुआ तो वो हाथी के ऊपर अपने हेलमेट लगा के लोहे के उसके ऊपर बैठा था। तो जब विलियम कॉन्करर ने पाया कि इसको इस प्रकार हराना तो बहुत मुश्किल है, भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने अपने उन सैनिकों के बीच में एक अफवाह फैला दी, रूमर, ही स्प्रेड ए रूमर दैट हैरोल्ड गुडविनसन हैज बीन किल्ड। हैरोल्ड गुडविनसन है वो मारा गया है युद्ध में, जबकि हैरोल्ड गुडविनसन तो जिंदा था। तो ये अफवाह फैला दी उसने। जैसे ही हैरोल्ड गुडविनसन के सैनिकों ने यह सब सुना तो वो घबरा गए, और घबरा के वो भागने लगे इधर उधर। और इस प्रकार जब हैरोल्ड गुडविनसन ने देखा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उसने जो लोहे का आर्मर चेहरे पे पहन रखा था, जैसे ही उसने ये दिखाने की कोशिश की कि मेरे सैनिकों को पता लगे कि मैं जिंदा हूँ, जैसे ही उसने वो हेलमेट और आर्मर अपने सर से उठाया तो जो विलियम कंकरर था उसने एक तीर निकाला और सीधा उसके आंख में मारा, जिसके कारण हैरोल्ड गुडविनसन की क्या हुई, मृत्यु हो गई। और अब इंग्लैंड में किसका राज्य हो गया, नॉर्मन का। इसीलिए इसको 1066 को नॉर्मन कंक्वेस्ट या बैटल ऑफ हेस्टिंग बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको 1066 के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो 1066 से 1450 का टाइम है इसके बीच में थोड़ा ओवर डिवाइडेड है, जैसे एज ऑफ चौसर है और डार्क मिडिल एज है। जो एज ऑफ चौसर है, जैसा कि आप जानते हैं 1350 में 1315 में जो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, जो इंग्लिश लिटरेचर के पितामह है या साहित्य के पिता है या पोइट्री के फादर है, जन्मदाता है, उनका नाम क्या है, चौसर। चौसर का 1350 में जन्म होता है और 1400 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। लेकिन हमेशा कोई भी, चाहे वो नेट हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें हमेशा चौसर का एक आधा क्वेश्चन जरूर रहता है, क्योंकि ही इज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, साहित्य के, लिटरेचर के इनको क्या माना जाता है, पिता माना जाता है। और इनकी जो मास्टरपीस था, जो उनका मास्टरपीस आया उसके बारे में मैं बता दूं, कैंटरबरी टेल्स, 1387 में उन्होंने एक मास्टरपीस लिखा जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स। इसके अंदर एक कहानी है जिसके अंदर 24 यात्री सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पे जाते हैं, यात्रा करते हैं, और वो प्लान बनाते हैं कि दो स्टोरी आते वक्त और दो स्टोरी वो जाते वक्त, टोटल 4 स्टोरीज वो रास्ते में सुनाएंगे। और ये कहानी किसकी है, कैंटरबरी टेल्स की है, जो बड़ी फेमस हुई थी 1387 में। तो ये काम,
ये जो 1350 का टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो चौसर की वजह से जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ पोएट्री जिनको कहा जाता है। इसी समय के दौरान एक और व्यक्ति जो उस समय के राइटर भी माने जाते हैं, जैसे जॉन वैक्लिफ जो लोलाय मूवमेंट के लीडर थे। एक्चुअल में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें था क्या। उस समय मिडिल एजेस में चर्च और कोर्ट का सिस्टम था, तो जो प्रिस्ट थे, मॉन्क्स थे, प्रायर्स थे, वो बाइबल के माध्यम से लोगों को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, गलत चीजें बता रहे थे, क्योंकि जो पहले का साहित्य था वो लैटिन में था और लैटिन लोगों को कम समझ में आती है। तो जो प्रिस्ट पादरी थे वो बाइबल को मिस इंटरप्रेट करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। जो जॉन वैक्लिफ था उसने 1382 में बाइबल का ट्रांसलेशन किसमें किया, इंग्लिश में किया। इंग्लिश में बाइबल का ट्रांसलेशन होने की वजह से लोग उसे समझने लगे कि जो प्रायर्स, मॉन्क्स, प्रिस्ट हैं वो लोगों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो इसने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम है लोलाय मूवमेंट, जो उसी समय का एक आंदोलन था। तो जॉन वैक्लिफ चौसर 1350 से 1400 के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइटर रहे और उस समय के लीडर भी रहे। इसके अलावा विलियम लैंगलैंड है, उनका प्रायर्स एंड प्लोमेंस, ये भी एक अच्छा बुक रहा। गोवर का कॉन्फेसियो मेंटस रहा। ये सब चीजें कहां से 1350 से 1450 तक चलती रही, ये कुछ राइटर हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो चौसर है और हमारे जॉन वैक्लिफ हैं, और इनके बारे में जैसे ही हम आगे वीडियो बढ़ाएंगे तो इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बस इतना याद रखना है एक बार के लिए। इसके बाद हम चलते हैं रेनेसेंस पीरियड इन इंग्लैंड। आपको पता है 1558 से लेकर 1660 तक, 1558 टू 1660 तक रेनेसेंस पीरियड था, जो इटली के फ्लोरेंस शहर से शुरू होकर इंग्लैंड तक पहुंचा, जिसे हम पुनर्जागरण आंदोलन का भी नाम देते। ये इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर आपको पता है 1476 में प्रिंटिंग प्रेस, जो जर्मनी का गुटनबर्ग शहर है वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ और पहली बार जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो पुस्तक के अंदर आई, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, एक जागृति आ गई, एक आंदोलन आ गया, किताबें छपने लगी। और इसी समय के दौरान एलिजाबेथ टाइम भी आता है, जो 1558 से 1603 का है। एलिजाबेथ पीरियड में 1558 में जो एलिजाबेथ थी क्वीन ऑफ इंग्लैंड बनी, महारानी बनी। कॉर्नेशन ऑफ जो कॉर्नेशन ऑफ एलिजाबेथ है वो 1558 है। 1558 में जो महारानी एलिजाबेथ थी वो इंग्लैंड की रानी बनी और वो बहुत अच्छी एक सम्राज्ञी थी। उसका बड़ा कंट्रोल था, उसके अंदर मानते हैं कि डिवाइन पावर थी, शी हैज डिवाइन पावर। और उसने अपने बारे में लिखा भी, इफ आई एम लेफ्ट आउट ऑफ माई कंट्री, इफ आई एम लेफ्ट आउट ऑफ माई कंट्री इन माई पेटीकोट आई डिजर्व टू बी क्वीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसने अपने बारे में कहा कि अगर ये राजपाट, ये धन दौलत सब कुछ मेरे से छीन लिया जाए और मुझे सिर्फ एक कपड़े में बाहर भेज दिया जाए तो भी मैं कहीं ना कहीं जाके क्या बन जाऊंगी, महारानी बन जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे गुण है, बहुत सारी चीजें थी उसके पास, कला थी, जिसके कारण ये उन्होंने लिखा। और जो कई बार एग्जाम में हमारे नेट में भी आया है, KBS में, PGT, TGT में भी आया है, इनका टीचर कौन था, तो टीचर के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। रोजर एस्चम, जो रोजर एस्चम था वो एलिजाबेथ का क्या रहा था, टीचर था। एलिजाबेथ एक महान सम्राज्ञी थी जिसका 1558 में क्या होता है, इंग्लैंड की वो क्या बन जाती है, महारानी। इसके अलावा एक दो कंसेप्ट और है, जैसे स्पेनिश अरमंडा को जो एलिजाबेथ है वो हरा लेती है, सबसे बड़ा जो जाजी बेड़ा था स्पेनिश अरमंडा उसको भी क्वीन एलिजाबेथ ने हराया। इसके बाद हम जेकोबियन, कैरोलिन और कॉमन इंटरगम पीरियड भी पढ़ेंगे, जो इसका आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, JCP, इससे आप याद रखते हैं, जे से जेकोबियन, सी से कैरोलिन, पी से प्यूटियन। तो इन तीन कीवर्ड से आप इन एज को भी याद रख सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है और आगे हम जैसे ही एजिस करेंगे हम डिटेल में भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपरी तौर पे ये सब करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए
जैसे ही आपका थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, एकदम से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे एक एक केस को डिटेल में विद देयर राइटर एंड देयर बुक्स उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, आज के लिए इतना ही, और इसी तरह हमारी क्लासेस है वो जारी रहेंगी। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू दोस्तों।